हरियाणा की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तेल का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोहतक में सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यात्रा के समापन पर पहुंचेंगे। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे क्षेत्र में इतने विकास कार्य करवाए हुए हैं जिसके आधार पर हम 75 बार बिल्कुल जाएंगे। ट्रिपल तलाक का जो फैसला है उसको आप कितना सही मानते हो? बहुत सही मानते हैं जी, पहले अपनी मर्जी चलाते थे लोग, अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अब क्या लगता है बीजेपी के राज में? बीजेपी तो बहुत साफ सुथरी पार्टी आई जी, सबको एक समान लेके चल रही है, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं इसमें। क्या फर्क नजर आ रहा है एनएलओ के राज में, बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज? जो बीजेपी पार्टी है वो देश हित के लिए है, वो हमेशा काम देश को पहले मानती है। बिल्कुल आएगी जी, क्योंकि सरकार के इसी सरकार के राज में काम हुए जी। सबसे पहले हुड्डा की सरकार रही थी, कांग्रेस सरकार रही थी, तो 10 साल उन्होंने तो यहाँ पे कदम रख के नहीं देखा था। आपकी बार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है? ऑब्वियसली बीजेपी। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका का भी। मैं मौजूद हूँ यमुनानगर में और यहाँ कालका से जन आशीर्वाद यात्रा मनोहर लाल खट्टर द्वारा सूबे के जो मुख्यमंत्री और चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। आज से जन आशीर्वाद यात्रा यानी 18 अगस्त से शुरू होकर रोहतक में इसका समापन है। समापन रोहतक में सितंबर को होगा और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यात्रा के समापन पर पहुंचेंगे और आज यात्रा का पहला दिन और पहले दिन का अंतिम कार्यक्रम यमुनानगर में अभी चला हुआ है। जैसा कि अभी लोग आने जो है शुरू हो चुके हैं हमारे साथ, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो चुनाव को लेकर जिस प्रकार की गर्माहट अभी जो चली हुई है, लोगों से विषय में बात करते हुए क्या है सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी जन आशीर्वाद यात्रा से भाजपा 75 का आंकड़ा छूना चाहती है, क्या लगता है ये टारगेट जो लिया हुआ उस तक पहुँच पाएगी भाजपा? बिल्कुल पहुँच पाएगी, 75 बार जाएंगे अब की बार हम। क्यों इतना आसान लगता है टारगेट? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे क्षेत्र में इतने विकास कार्य करवाए हुए हैं जिसके आधार पर हम 75 बार बिल्कुल जाएंगे। काम की आपने बात करी, आज से पहले भी सरकार है उन्हें काम कराए, काम तो होते ही आ रहे थे, लेकिन अब की बार कुछ अलग क्या? नहीं, पब्लिक को नज़र आ रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, यमुनानगर की बात करूँ, तो यमुनानगर में पिछले 5 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना कि इस 5 सालों में विकास, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। माननीय विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी के माध्यम से और मनोहर लाल जी के माध्यम से, श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है अपने क्षेत्र में। अब की बार बात करी जाए, आप कह रहे हो कि 5 साल में विकास हुआ, लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बार बार कहते हैं कि आपकी सरकार में यानी बीजेपी की सरकार में पॉपुलर की मंडी यमुनानगर को माना जाता है, उस पॉपुलर को बीजेपी सरकार ने पीटने का काम किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा कह रहे हैं। अपना सीएम साहब ने हर किसी को समान रूप दिया है और इसके विषय में मेरे को इतना बता नहीं है, तो मैं इसके विषय में पूरा नहीं बता पाऊँगा। और भी लोग हमारे साथ हैं, लगातार हम बात करेंगे। क्या लगता है अब की बार जो विधानसभा की गर्माहट है वो क्या लगता है, क्या निर्देश दे रही है, क्या संदेश दे रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतने ज़्यादा काम किए हैं कि हर पूरा देश का हर मनुष्य खुश है। इसमें स्पेशली जैसे 3 तलाक का मामला है उसमें हमारी मुसलमान बहनें बड़ी खुश हैं। इसके अलावा अभी जो धारा 370 के बारे में, अभी 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर में जो एक संविधान एक झंडा बनाया गया है, उससे तो एकदम ही पूरे भारत में इतना खुशी का उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। 75 को जो आंकड़ा बीजेपी लेके चली है वो इतना आसान क्यों लगता है? आसान लगता है, हमारी पार्टी ने काम किया है, खट्टर सरकार है हमारी, श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने पूरे हरियाणा में विकास के कार्य किए हैं। उन विकास के कार्यों के लिए जैसे रोजगार के बारे में उन्होंने बगैर किसी भेदभाव के लोगों, बच्चों की काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरियाँ दी हैं,
और जो किसी भी तरह की रिश्वत का या किसी लेन देन का जो मामला है वो सब कुछ खत्म कर दिया है। और भी अब लोगों से लगातार आपको रूबरू कराएंगे, काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, युवा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? आशिक। आशिक, क्यों लगता है कि अब की बार बीजेपी 75 का आंकड़ा छू पाएगी? ये सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रही, सबको एक समान विकास कर रही थी। ट्रिपल तलाक का जो फैसला है उसको आप कितना सही मानते हो? बहुत सही मानते हैं। पहले में और आज में कितना फर्क जो है नजर आ रहा है? 50% का फर्क है जी। पहले अपनी मर्जी चलाते थे लोग, अब अपनी मर्जी नहीं चलेगी, इसके लिए कानून बंद आ गया। चलिए, आपका कानून का पालना करेंगे लोग इसका। राज में क्या फर्क नजर आता है कांग्रेस बीजेपी इनेलो? उनका तो राम राज आया गया राम था जी, इनका तो ऐसी काम था। अच्छा, अब क्या लगता है बीजेपी के राज में? बीजेपी तो बहुत साफ सुथरी पार्टी आई जी, सबको एक समान लेके चल रही, हिंदू मुस्लिम सब बराबर हैं इसमें, ये गरीब लोगों से जुड़ी है। लगातार और भी लोगों से हम बात करेंगे, काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम आम कार्यकर्ता हो या हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। रथ लेकर निकले सूबे के मुख्यमंत्री, क्या लगता है रथ अभी जो भीड़ अभी जो नज़र आ रही है क्या वो वोट तक पहुंच पाई? क्या मतलब? ये जो भीड़ अभी दिख रही है क्या ये लोग वोट को भी कन्वर्ट कर पाएगी यात्रा? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी, हर हालत में करेगी, क्योंकि इस टाइम काम अच्छे भी हैं और अच्छे हो रहे हैं, अवश्य करेगी इस काम को, वोट देंगी जनता। क्यों बीजेपी को आप वोट देना पसंद कर रहे हो? बीजेपी जैसा राज आज तक कभी आया ही नहीं इंडिया में, भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ जो नए नए काम होते जा रहे हैं, इसलिए सबसे बढ़िया राज है, शांति है हर तरफ से, हर प्रकार से सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ये समझने वाले के ऊपर निर्भर है वो कितना समझ पा रहा है। काम तो 60 साल से कांग्रेस भी कर रही थी, तो अब क्या नज़र, कुछ अलग से क्या नज़र आ रहा है? कांग्रेस के काम में बीजेपी के काम में जनता अपने आप बताएगी क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। कांग्रेस के काम में राज में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है एनएलओ के राज में, बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज? जो बीजेपी पार्टी है वो देश हित के लिए है, वो हमेशा काम देश को पहले मानती है और बहुत सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से कार्य कर रही हो काम। कोई जितनी भी पार्टियां उन्होंने सबसे पहले अपने पेट को देखा, और बीजेपी ही की ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है, देश के लिए जो काम अच्छा है वो एकदम बिल्कुल सुटेबल हो रहा है और सही हो रहा है। क्यों लगता है कि अब की बार बीजेपी जो है 75 पार कर सकती है? जनता का विश्वास है और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसपे जनता का विश्वास बढ़ा है, सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी है ईमानदारी, और जिस पार्टी के अंदर ईमानदारी होगी उस पार्टी को कोई सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। यमुनानगर की बात करते हैं, अब की बार यमुनानगर में क्या रहने वाला है? अभी चुनाव आने वाला है तो यहाँ से जो विधायक है या कौन सी पार्टी का विधायक बन सकता? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं मोदी जी, और देश में ईमानदारी से काम चल रहा है, तो इसलिए बीजेपी आएगी। और राज में क्या नज़र आता है, कुछ डिफरेंस है क्या? पहले भ्रष्टाचार बहुत था, अब मोदी जी जब से आए हैं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, आगे भी वो 370 हटाई है, ट्रिपल तलाक हटाया है, ये काम जो हो नहीं सकते उन्होंने करे हैं, तो इसलिए मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगी सबको। मनोहर लाल की छवि की बात करते हैं, हरियाणा में साफ छवि मानी जाती है, क्या कुछ उस छवि का भी कोई असर रहने वाला है? बिल्कुल असर रहने वाला, मनोहर लाल जी साफ दिल ईमानदार आदमी है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो लोग उनको चुनेगी। और भी लोगों से हम लगातार आपसे रूबरू कराएंगे, हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, हम उनसे चर्चा लगातार युवा है, हम इनसे बात करेंगे। क्यों अब की बार लगता है कि बीजेपी सरकार में आ सकती है? बीजेपी सरकार नहीं आ सकती कि आ सकती है?
बिल्कुल आएगी जी, क्योंकि सरकार के इसी सरकार के राज में काम हुए जी। देखो हरियाणा में तो जो इससे पहले हमारे सीएम साहब से पहले हुड्डा की सरकार रही थी, कांग्रेस सरकार रही थी, तो 10 साल उन्होंने तो यहाँ पे कदम रख के नहीं देखा था। हमारे सीएम साहब कम से कम यहाँ पे बार बार आते हैं, यहाँ पे विकास के कारण कार्य हो रहे हैं। और आज सड़कों का जगह देख लीजिए, सड़कों के लिए सक्षम योजना हरियाणा के लिए इतनी कामगारी से हुई है कि उसके लिए बता नहीं जा सकता, वर्ण शब्द नहीं है जिसे कह सकते हैं। और अपना आयुष्मान योजना है, हर चीज़ में हर किसी का बेनिफिट मिल रहा है। तो इसका सरकार का आना मुमकिन ही है कि कोई कह ही नहीं सकता, कोई अंकुश नहीं लगा सकता कि नहीं आएगी। कितनी सीट आ सकती है? 75+ जाएगी जी, बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं। आपकी बार हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है? ऑब्वियसली बीजेपी। क्यों? जब से बीजेपी सरकार आई है, उससे पहले जब हुड्डा जी थे, हुड्डा जी ने रोहतक की ही अपनी वहाँ पे जाट राजनीति की, पर वहीं पे उन्होंने हुड्डा ने रोहतक के ही काम करवाए। पर यहाँ पे पंजाबी मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने 36 बरादरियों का सोचा और 36 बरादरियों के काम करवाए। उन्होंने ये नहीं सोचा ये जाट है, पंजाबी है या बढ़िया है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का वो है उसके हिसाब से ही काम करवाया। और हमारे यमुनानगर की बात करें, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ पास में ही 2.5 करोड़ का स्वर्ण जयंती पार्क है, ये इन्होंने पास करवाया, ये जिस सड़क पे खड़े वो इन्होंने बनवाई है। मतलब सारे काम जो है मुख्यमंत्री जी ने हमारे यमुनानगर में करवाए हैं, और धीरे धीरे जो विकास कार्य अभी रुके हुए हैं वो भी आगे हो जाएंगे। राज में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सर, राज में ये फ़र्क आ रहा है, पहले जब हम जाते थे अफसर हमारी सुनवाई नहीं करते थे। मतलब कांग्रेस राज में तो ये हाल था कि अफसर मतलब ये सोचते थे कि हमें भी ऊपर से आशीर्वाद है, जो मर्जी करते रहो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अब जैसे सीएम विंडो है, सीएम विंडो में एप्लीकेशन जाती है, उसमें ना कार्रवाई होती है, उसमें ये नहीं होता। अब हुड्डा जी ने कहा कि हाँ भाई, मेरे टाइम में भी सीएम विंडो थी, आपके टाइम में सीएम विंडो थी, किसी को पता ही नहीं था सीएम विंडो है। जब सीएम ही नहीं आया तो सीएम विंडो का क्या मतलब है? एक बार आए थे 2012-13 में, यहाँ पे आए थे कृष्णा पंडित के यहाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे, और कभी हमने ये नहीं देखा भी उन्होंने कोई यमुनानगर के लिए घोषणाएं की हों, या इधर कोई सड़क या कोई यहाँ पे पार्क, कुछ भी नहीं देखा। राज में ये फ़र्क है, अभी यहाँ पे जो है अफसरशाही नहीं है, यहाँ पे सुनवाई होती है। अफसर के नगर निगम में चले जाओ, PWD में चले जाओ, CM विंडो पे चले जाओ, आपकी कंप्लेंट का निवारण होता है, आपसे बकायदा फ़ोन करके पूछा जाता है कि हाँ जी आपकी कंप्लेंट सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो ये राज में फ़र्क है, यहाँ पे जनता का राज है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहिए खबर तहलका, धन्यवाद। हरियाणा की तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा खबर तहलका यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।